पुरानी चीजें तब तक पुरानी नहीं होती जब तक नए वाले उससे बेहतर ना हो। और इसलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं iPhone 11 के बारे में, जो कि है तो 4 साल पुराना, बट अब भी लोग इसको लेने के लिए अपना फोन तक बेच देते हैं, क्योंकि अब इसके लिए किडनी बेचने की जरूरत नहीं है, सस्ता हो गया है। सीधी बात, नो बकवास, इस वीडियो को तभी देखना अगर आपको 20-25 हजार की प्राइस रेंज में बेस्ट कैमरा फोन चाहिए। मतलब अगर आप यूट्यूबर, ब्लॉगर या सिनेमेटोग्राफर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। नहीं हो तो भी देख लेना, कुछ ना कुछ तो जरूर पता चलेगा। आईफोन आप क्यों लेते हो? चमकाने के लिए। साले तू। मतलब कुछ लोग कैमरा के लिए भी लेते हैं। रीजन ये है कि आईफोन के कैमरा को बुढ़ा होने में बहुत टाइम लगता है। मतलब आज भी अगर आप इसके कैमरा को किसी 20-25 हजार के फोन से कंपेयर करवाओगे तो ये बंदा आसानी से जीत जाएगा। वैसे तो इसमें सिर्फ डुअल कैमरा का सेटअप मिलता है, जहां पे प्राइमरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल विद 1.8 एपर्चर। आईफोन 7 के बाद एप्पल ने कभी भी iOS का साथ ही नहीं छोड़ा है। 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, जिससे आप 120 डिग्री का FOV कैप्चर कर सकते हो, और फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो कि किसी भी ओप्पो वीवो को धूल चटाने के लिए काफी है। फोटोज की बात करूं तो इस फोन के सभी लेंस से तगड़े फोटोज आते हैं, चाहे वाइड से लो या अल्ट्रा वाइड से। लगेगा ही नहीं कि ये 4 साल पुराना फोन है। कैमरा ऐसा बनाओ कि चार साल तक लोग तारीफ करें, और जब फोटोज अच्छे आ ही रहे हैं तो तारीफ करने में मेरा क्या जा रहा है। कलर्स, कॉन्ट्रास्ट और स्पेशली आईफोन की डायनामिक रेंज तो उतनी ही अच्छी है जितनी अच्छी कुछ लोगों की किस्मत। अब आईफोन की वीडियो बनाऊं और आईफोन से ना बनाऊं, इस जन्म में तो ऐसा नहीं होने वाला। तो ये वीडियो शूट हो रही है आईफोन 11 के प्राइमरी कैमरा से 1080p 30fps में। स्टेबलाइजेशन तो आई नो कि कमाल की होगी, कंट्रास्ट, कलर और जो डायनामिक रेंज है स्पेशली वो बहुत अच्छा होता है। और अभी हम प्रॉपर स्टेबलाइजेशन टेस्ट करने वाले हैं। अभी हम चल रहे हैं और अभी हम भागेंगे। पता है इस वीडियो में अच्छा क्या है? सब कुछ। मतलब आप कोई सा भी 20-30 हजार का फोन उठा लो और उस फोन की वीडियो को इससे कंपेयर करना, पहले तो 4 साल पुराना स्टेबलाइजेशन देख के मैं खुद ही शॉक दूं। ऊपर से जो स्किन टोन्स आपको आईफोन दे देता है ना, वो फेयर एंड लवली भी नहीं दे सकता। अल्ट्रा वाइड की वीडियो का भी सेम ही सीन है। मतलब कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, डायनेमिक रेंज सब कुछ प्राइमरी सेंसर जैसा ही है, बस डिटेल्स में ये प्राइमरी सेंसर से थोड़ा कम है क्योंकि इसमें OIS ही नहीं मिलता। हालांकि EIS का स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छी है, बट OIS तो OIS होता है। तो ये वीडियो शूट हो रही है आईफोन 11 के फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps में। कलर्स और कॉन्ट्रास्ट, डायनेमिक रेंज सबका अंदाजा आपको लग चुका होगा, और स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छी है। बेसिकली आईफोन तो वीडियो के लिए ही जाना जाता है, तो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और व्लॉगिंग के लिए स्पेशली बहुत अच्छा रहता है। ये मैं अभी मेरे बैक लाइट से बैक से सन की लाइट आ रही है, तो कैसे फेस को एडजस्ट कर रही है आप देख सकते हो। और ये मैं अगेंस्ट द सन तो नहीं, अभी डायरेक्टली सन मेरे मुँह पर आ रही है, तो आप देख सकते हो कि फेस कैसे एडजस्ट कर रही है। स्टेबलाइजेशन वगैरह सुपर्ब है, तो व्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन अपनी प्राइस रेंज में। देखो कैमरा वाइज ये इस प्राइस रेंज में बेस्ट फोन है, बट लोग सिर्फ कैमरा यूज करने के लिए थोड़ी ना फोन लेते हैं। बाहर से आप भले ही कितने पतले क्यों ना हो, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है ना, तो जिम करने वाले भी आपके सामने नहीं टिकेंगे। आईफोन 11 का भी सेम ही सीन है। मतलब इस फोन में A13 बायोनिक चिप मिलता है, जो कि है तो बहुत पुराना, बट कमजोर बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो आप इस फोन में हैवी से हैवी गेम्स एंड एप्लीकेशन को इजिली रन कर सकते हो। मैंने खुद इसमें बहुत सारे गेम्स को खेल के देखा है, स्टार्टिंग नॉर्मल गेम से की, बट धीरे धीरे हाई एंड गेम्स जैसे असफॉल 9 और BGMI भी खेल के देखा है, वो भी हाई सेटिंग पे। कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई लैग या कोई फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। हाँ, एक चीज है कि अराउंड हाफ एन आवर खेलने के बाद ये फोन थोड़ा सा गर्म हो गया था, लेकिन इसके बाद भी परफॉर्मेंस में कहीं भी कमी नहीं हुई। हाँ, बट मैंने नोटिस किया कि गर्म होने के बाद ये थोड़ी सी ब्राइटनेस जरूर ड्रॉप कर लेता है। फिर उसके तुरंत बाद मैंने AnTuTu बेंचमार्क का भी टेस्ट किया था, और हीट होने के बावजूद भी इतना अच्छा स्कोर आया, लेकिन मैं इस स्कोर को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि जितना मैंने इसको ओवरऑल यूज किया है ना, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में ये चैंपियन है। और अगर आप कैजुअली गेमिंग करोगे तो जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसकी गारंटी तो मैं लेता हूँ। और इनकेस आप गेम्स खेलते ही नहीं हो तब तो टेंशन ही मत लेना, क्योंकि डे टू डे परफॉर्मेंस में एक बार भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे आप मल्टीटास्किंग करो, चैटिंग करो, कॉलिंग करो, मतलब जितना स्मूथ ये 4 साल पहले था ना, आज भी उतना ही है। बस एक चीज में थोड़ा फर्क आया है। कोई भी इंसान तब तक अच्छे से काम कर सकता है जब तक उसके अंदर पावर खत्म ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद इंसान हो या फोन, रेस्ट करना बहुत जरूरी है। वैसे तो इस फोन में 3110mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आराम से एक दिन का बैकअप दे देगी। मेरा फोन खुद 2 साल से ज्यादा पुराना है, फिर भी एक दिन का बैकअप तो दे ही देता है। हाँ, अगर गेमिंग करोगे तब तो चार्ज लगाना ही पड़ेगा, बट अगर नॉर्मल यूजेज कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आएगी। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इतना पुराना फोन होने के बाद भी इसमें वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिलता है। लिटरली एक बार मेरा आईफोन का चार्जर ही खराब हो गया था। हालांकि मैंने एप्पल की वेबसाइट से उसे ऑर्डर तो कर दिया था, बट आने में 3 दिन तो लग ही जाते, और तब तक मैंने इसको S21 FE के थ्रू सिर्फ वायरलेस ही चार्ज करके काम चलाया था। अब वायरलेस चार्जिंग वायर चार्जिंग इतना फास्ट तो नहीं होता, बट इमरजेंसी में काम चलाने के लिए काफी है। हाँ, एप्पल की एक बहुत बुरी बात मुझे ये लगती है कि ये लोग वायरलेस चार्जिंग तो दे देते हैं, लेकिन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं देते। मतलब आप आईफोन 11 को S21 FE से तो चार्ज कर लोगे, बट S21 FE को आईफोन 11 से चार्ज नहीं कर पाओगे।
सही खेल रहे हो टीम अंकल। अब भले ही बैटरी में ये फोन थोड़ा कम बैकअप दे, बट एक जगह है जहाँ पे सालों साल बैकअप मिलेगा। स्केचर्स के जूते, जारा के टी शर्ट और एप्पल के आईफोन में एक ही चीज कॉमन है, एक्सपीरियंस। और ये चीज तो सबको पता है कि अगर आप एक एंड्रॉइड और एक आईफोन को कंपेयर कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में हमेशा ही एप्पल जीतेगा। और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई सा भी फीचर हो वो आईफोन के लिए ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है। उनमें भी बग्स होते हैं बट एंड्रॉइड के कंपैरिजन में बहुत कम। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये लोग उन बग्स को अपडेट देकर फिक्स करने में भी ज्यादा देर नहीं लगाते। एंड्रॉइड में तो कुछ ब्रांड के फोन को अपडेट करने से ही डर लगता है। कौन कौन Xiaomi और Poco के फोन यूज कर रहा है कमेंट्स में बताना जरा। और आईफोन की सबसे बेस्ट चीज ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 10th क्लास में कोई फोन लिया है तो ग्रेजुएशन तक उसको अपडेट्स के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। एक साल फेल हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब ये है कि सभी आईफोन्स को मिनिमम 5 साल के अपडेट्स तो मिलते ही हैं, और उसके बाद सिक्योरिटी पैचेस की भी कोई कमी नहीं होगी। अगर अभी के टाइम से कैलकुलेट करो तो ये लॉन्च हुआ था 2019 में, मतलब इसको 3 iOS अपडेट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं एंड अब भी 2 iOS अपडेट्स मिलेंगे। और सिक्योरिटी पैचेस की गिनती तो मैं भी नहीं बता सकता। मतलब एंड्रॉइड से कंपेयर करो तो न्यूली लॉन्च फोन्स को भी सिर्फ 2 ही एंड्रॉइड अपडेट्स मिलते हैं और आईफोन 11 को भी नहीं मिलने वाले हैं। बट ऐसा नहीं कि इस फोन में सब कुछ अच्छा है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग वीडियोस देख के ही अपना दिन काटते हैं, बट इस फोन में आपको वैसे पंची कलर्स और कंट्रास्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें LCD डिस्प्ले मिलती है जो कि फुल HD रेजोल्यूशन की भी नहीं है। नो डाउट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट LCD डिस्प्ले आई हैव एवर सीन इन माय एंटायर लाइफ। एंड ज्यादा इंग्लिश हो जाएगी, हिंदी में बताऊं तो इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी है, और अगर आपने AMOLED डिस्प्ले कभी यूज ही नहीं की तो आपको फर्क भी नहीं पता चलेगा। बट सच तो यही है कि कितना भी महंगा फोन लो, AMOLED डिस्प्ले की क्वालिटी LCD से हमेशा ही बेटर रहेगी और महंगी भी। बात तो सही है, मुझे बोलते हुए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बट एप्पल ने एक्चुअल में यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है बहुत बड़ी वाली। हाँ, लोगो दिखाने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आप बहुत ज्यादा मूवीज वगैरह देखते हो ना तो ये डिस्प्ले आपके लिए नहीं है। आईफोन 12 ले लो, मेरे पास भी वही है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि कोई नहीं डिस्प्ले के साथ तो एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो उनको मैं बता दूं कि इस फोन में एक और कमी है बहुत बड़ी वाली। सबको पता है कि 5G लॉन्च हो गया है और लोग जियो के फ्री 5G का मजा भी लेना शुरू कर चुके हैं। किसी को 5G चलाने में दिक्कत हो रही है क्या? इंस्टा पे आ जाना, फ्री में सॉल्यूशन बताऊंगा। खैर, सीन ये है कि आईफोन 11 एक 4G डिवाइस है और कुछ लोगों को लग रहा है कि एप्पल अपडेट देकर इसको 5G बना देगा। एक अच्छे डॉक्टर का नंबर दे रहा हूं, उनसे कॉन्टेक्ट जरूर करना। आई नो ये फोन अच्छा है, बट सीन ये है कि क्या आप इस फोन को परचेज करके खुश रहोगे? इसके लिए तो कंक्लूजन वाला पार्ट देखना पड़ेगा। पहले मैं ये बताता हूँ कि ये फोन किन लोगों को लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए। अब करेंटली फ्लिपकार्ट पे इसकी प्राइस है 38,000 और बहुत ही हाई चांसेस हैं कि सेल में ये अराउंड 25-30,000 का मिले, शायद उससे भी कम। मतलब अगर आपका बजट इतना ही है और आपको ब्लॉगिंग के लिए फोन चाहिए तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गेट। और सिर्फ चमकाने के लिए लेना है तो सेकंड हैंड मार्केट में बहुत सारे मिलेंगे, आपके टैलेंट के ऊपर है आप कितने सस्ते में ले सकते हो। बट अगर आपको किसी भी हालत में 5G फोन ही चाहिए तो आपसे मैं अगले वीडियो में बात करता हूँ। मतलब जिसके घर में वाईफाई नहीं है तो वो डेफिनेटली 5G की स्पीड्स को मिस करने वाला है। और सच बताऊं तो इसकी डिस्प्ले भले ही AMOLED जितनी अच्छी ना हो, बट नॉर्मली उतना पता नहीं चलता। 5G ही मेन रीजन है इस फोन को लेने और ना लेने का। अगर अब भी किसी को डाउट है तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लेना, वही मिलूंगा। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल फ्री है। लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर 30,000 के अंदर बेस्ट फोन लेना चाहते हो तो। नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि इस चैनल पे मैंने ब्लॉग्स भी बनाए। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्तला बीस्ता।